सर देखिए देखिए टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ, वो आज का टॉपिक हम लोग का ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जहाँ तक हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग का मैथ्स का दूसरा चैप्टर, मतलब पूरा मैथ्स स्टैट्स हम लोग को टोटल पढ़ना है, टोटल हम ही पढ़ाएंगे आपको। अब इसमें क्या है, आज हम लोग मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे, टॉपिक का नाम है लॉग। क्या नाम है? लॉग। प्यार से लोग इसे लोगैरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? लोगैरिथम। इसका नाम है लोगैरिथम, प्यार से लोग लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉग। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, देखिए आज का टॉपिक है लॉग। तो कॉपी में हेडिंग दीजिए, पहले हेडिंग दे दीजिए फिर बात होगा। क्या होगा? लोगैरिथम। छोटा छोटा दो दो लाइन का तो समझ रहता है। हेडिंग दीजिए लोगैरिथम। अच्छे से नोट्स बनाना, कॉपी एकदम बढ़िया से बनाइएगा जिससे आपके दोस्त को आपसे जलन हो जाए। रेडी? चलो बात नहीं, आपका आवाज नहीं आना चाहिए यहाँ तक। देखिए तो स्टार्ट कर रहे टॉपिक को। देखिए लॉक का मतलब क्या होता है, लॉक किसे कहते हैं, लॉक का डेफिनेशन क्या है। तो अभी क्या ना, आप लोग जिस उम्र में हो, जिस क्लास में हो, वहां पर डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस आपका एमसीक्यू पेपर आपको समझ देगा। लेकिन लॉक को डिफाइन कैसे करते हैं, तो लॉक इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स। लेकिन क्या ना, इतना इंग्लिश आपको समझ नहीं आएगा। लॉग इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब ये एक्सपोनेंट्स क्या है, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपको डायरेक्ट सम से ही शुरुआत किया जाएगा। बस अगर कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉग, तो बता दीजिएगा लॉग इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स। इतना आपको डेफिनेशन भी समझ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। डायरेक्ट सम से शुरुआत करते हैं, सम्स बनाना है। क्या बनाना है? सम्स। और कॉपी में लिख लीजिए पॉइंट नंबर वन, लॉग इज द, लिख लीजिए नाम के लिए, लॉग इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ, लॉग इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉग इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबको बोर्ड दिख रहा ना बाबू? हाँ समझे? ओके फाइन, थैंक यू। लोगैरिथम समझ ना, तो लॉग इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ क्या बाबू? एक्सपोनेंट। लेकिन ये काम का चीज नहीं है आपका, समझ रहे ना? तो अब यहाँ से काम का चीज शुरू हो गया। ध्यान से देखिए लॉग का मतलब क्या होता है, कैसे लिखते हैं लॉग को। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं दो दो का पावर तीन, सुनाई दे रहा ना? दो दो का पावर तीन, दो का पावर तीन होगा तो वैल्यू कितना आएगा? आठ। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? ये नॉर्मल वैल्यू हो गया। अब इसी को अगर आप लॉग में लिखेंगे, लॉग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो आपको पहले आपको हम लिखना सिखा रहे हैं। लॉग में लिखते कैसे हैं, भूल जाइए सब कुछ। पहले आप हमको ये बताइए इसको क्या बोलते हैं, बेस? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? पहले बोल दीजिए हाँ कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं? पावर। इसको आउटकम। बेस, पावर, आउटकम। कोई बच्चा रिजल्ट बोला, गलत नहीं बोले आप, हम सुन लिए, इससे वर्ड चेंज कर दिए। बस है ना, आप बेस बोलिए, आप इसको पावर रिजल्ट बोलिए, चाहे आउटकम बोलिए, बात बराबर ही है। लैंग्वेज अलग हो सकता है, उसका जो सेंस है वो कभी अलग नहीं होगा। ये क्या है बाबू? बेस। ये क्या है? पावर। दो का पावर तीन की है तो कितना है बाबू? आठ। इसी को अगर लॉग में लिखना होगा, लॉग के स्टाइल में सजाना होगा, लॉग के स्टाइल में सजाना होगा, तो कैसे सजाइएगा? देखिए राइट साइड में हम लॉग लिख के आपको दिखा रहे हैं। तो इसको अगर लॉग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दिख रहा है ना सबको? तो लॉग में अगर दिख रहा है ना आपको, लॉग में अगर इसको सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे, देखिए। तो लॉग के वे में अगर इसको सजाएंगे तो किस तरह से आप सजाएंगे, कैसे सजाएंगे, देखिए। इसको लॉग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले लिख देंगे लॉग, क्या लिख देंगे? लॉग में, लॉग दैट इज लॉग नॉट लॉग, पहले लॉग लिख दीजिएगा। देखिए देखिए लिखना स्टाइल, देखिए बेस में कोई चीज नहीं होगा, सुनो बेस में कोई चेंज नहीं होगा। दो की जगह दो लिखोगे, दो की जगह दो लिखोगे, दो लिखिए, लिख देना, फिर करके बताएं, बहुत इजी है। देखो सवाल क्या है, पहले अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में पूछते कि सर स्टैट्स नहीं करा रहे, खाली मैथ्स करा रहे, देखिए इसका रीजन क्या है। पहले मैथ्स वाला में क्या ना, अगर पांच सम्स आप बनाएंगे, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें मान लीजिए 58 सम्स आपको हम सॉल्व कराए लगभग, तो 58 सम्स 58 टाइप का था। स्टैट्स में ऐसा नहीं, स्टैट्स में क्या, एक तो फॉर्मूला उसी के बेसिस पर सम्स बनाएगा, तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या है, जैसे लॉगिंग कराएंगे 10 सम से, तो हर सम से कुछ ना कुछ लॉजिक आ जा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको मैथ्स पहले करा दे रहे ना, इससे आप प्रैक्टिस करवाइएगा घर में बैठ कर, बस समझ रहे ना? अलग अलग सम्स रहेगा तो प्रैक्टिस करवाइएगा, स्टेट सन 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 करते जाएंगे। मैथ्स में क्या है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, इसीलिए मैथ्स वाला पार्ट पहले कम्प्लीट करवा दे रहे। तो लॉग टू, तो बेस की जगह क्या होगा, बेस होगा। उसके बाद जो आउटकम था ना, उसको ऊपर लिख दीजिएगा, आउटकम कितना था? आठ। और ये पावर उस तरफ कर दीजिएगा, कितना जाएगा? तीन। लॉग टू आठ तीन, हाँ कि नहीं? लॉग टू सब पावर कितना? आठ। इधर क्या क्या हो? तीन। तो इसको, इसी चीज को अगर लॉग में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। लिखना सिखा रहे हैं आपको, कैसे सिखा रहे हैं? लिखना। तो अच्छा लॉग में देखिए, बेस की जगह तो बेस ही हो गया, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बेस की जगह क्या हो गया? बेस।
बेस की जगह क्या आ गया बाबू, बेस। तो बेस की जगह पे तो बेस ही है। और अगर आप इसमें आते हैं, इसका वैल्यूज में अगर आप आते हो, अब दिख रहा सबको बोर्ड, समझे, दिख रहा बाबू, तो बेस की जगह क्या है, बेस है। तो बेस की जगह बेस ही है, लेकिन जब आप पावर में आते हो तो पावर की जगह पर कौन सा चीज आ गया बताइए, आउटकम, और यहाँ पर क्या आ गया बताइए, पावर। मतलब आपने इसका फॉर्मेट को चेंज कर दिया। तो ये देखो, नॉर्मल वैल्यूज को लॉग में अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताइए, इस तरह से, कैसे लिखेंगे, इस तरह से। ये क्या था बताइए, ये लॉग में लिखने का तरीका हो गया। अभी आपको लगातार पांच छह तो चीज लिखना खाली सिखाएंगे, पहले आप इसको उतारिए। पॉइंट नंबर वन बोल के, वन तो लिख लियो ना, पॉइंट नंबर टू बोल के इसको लिखो आप, पॉइंट नंबर टू बोल करके लिखो, पॉइंट वाइज नोट्स लिखना आप, लिखिए। सबको दिख रहा है बोर्ड, देखिए दो दो लाइन का तो क्वेश्चन है। चलिए हो गया, देखिए चले, ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं ना वैसे आप लिखना, अभी जितना अभी पांच छह तो लगातार ऐसे लिखना ही खाली सिखाएंगे, मिटा देंगे लिखने जाएंगे, मिटा देंगे लिखने जाएंगे ना, और बात समझे ना, कॉपी एकदम अच्छे से बनाइएगा। सपोज आपका फर्स्ट चैप्टर छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, बात जब वीडियो क्लास देखिएगा फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा, पहले जो रनिंग है उसको आप खराब मत होने दीजिए। अब देखिए इसी चीज को आप मिटा दे क्या, अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे रहता है टू का पावर पांच, टू का पावर पांच होने से कितना जाएगा आंसर, बत्तीस होगा ना, ये नॉर्मल मैथ्स में हो गया। अब इसको अगर लॉग में लिखेंगे, आप लोग बताना, इसको अगर लॉग में लिखते हैं कैसे लिखेंगे, लॉग टू की जगह टू बत्तीस इक्वल टू फाइव, हाँ कि नहीं, कॉपी करिए। तीन नंबर समझे कैसे लिखेंगे, पहले से लिख लिए, टू का पावर बत्तीस इक्वल टू क्या बाबू, पांच। कितना एग्जांपल हो गया बताइए, तीन एग्जाम्पल, चार में चलिए, चले समझे कैसे लिखेंगे, एकदम अच्छे से नोट्स बनाना। अच्छा उसके बाद इसको मिटा दे रहा, ज्यादा नीचे लिखने से ना बहुत बच्चे देख नहीं पा रहे, ठीक है। क्वेश्चन कितना नंबर चार होता है, चार नंबर ना, चार नंबर पॉइंट हो गया, चार नंबर पॉइंट लिख रहे, देखिएगा आप लोग बताना, टेन का पावर टू इक्वल टू हंड्रेड, आप लोग इसको करो खुद से, कैसे लिखोगे लिखो, खुद से लिखो, लिख भी लिए, लिख लिए, कम जीनियस नहीं हो आप लोग भी। देखो इसको कैसे लिखेंगे, लॉग टेन इक्वल टू टू, उतार लिए, हो गया सबका, सही था कि गलत, तो सर क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, नहीं, ये लिखना सिखा रहे आपको, लॉग में कैसे लिखेंगे, क्या ये अभी लोग प्रैक्टिस करे, हाथ साफ करे, क्या करे बाबू, हाथ साफ होता ना, कोई जैसे गाड़ी वाड़ी चलाने आता है हाथ साफ करे, अभी सीख स्टार्टिंग पीरियड है लोगों का, हो गया ना, बट आराम से हंसते खेलते सीख लेंगे। पॉइंट नंबर पांच में चलते हैं, पॉइंट नंबर पांच आप लोग करके ये अगर सही करके दिखाओगे बाबू तो गिव वाउचर मिलेगा, गिव वाउचर, पहले सही तो करिए, खाली क्या मिलेगा, सही करिए पहले, उतारिए लिख के दिखाओ, इसके बाद रिलेशनशिप बनाएंगे, उतारिए लॉग टेन का पावर वन इक्वल टू टेन, कन्वर्ट करिए लॉग टेन, दो मिनट के दे रहे देखिए हो गया, इसको कैसे कन्वर्ट किए, कर ली कन्वर्ट, देखिए कन्वर्ट करते हैं, लॉग टेन की जगह टेन होगा, फिर ऊपर में टेन होगा इक्वल टू कितना होगा, वन, सही था कि गलत, ये जो हम लोग लिखे ना इतने देरी से, ये जितना चीज आपको लिखे हैं ये मजाक मजाक में नहीं लिखे हम लोग, ये पहले तो आपको कन्वर्ट करना सीखा है कि कैसे लॉग में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर ना आपको डर, आपको दोनों चीज आना चाहिए, देखिए एक इसको भूल जाइए, तो मैं यही से समझाते हैं, मतलब अगर ऐसा रहेगा, मान लीजिए ऐसा रहेगा तो इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कि नहीं, तो इसका मतलब आपको ये भी बताना चाहिए, अगर ऐसा रहेगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्जन हो गया, क्या क्या वो कन्वर्जन, अगर लॉग टेन का पावर वन इक्वल टू टेन होगा, तो अगर मान लीजिए कभी लॉग टेन टू दी पावर टेन इक्वल टू क्या होगा, वन, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, मतलब नॉर्मल से लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉग से नॉर्मल में कैसे आएंगे, जैसे नॉर्मल से लॉग में गए
फिर लॉक से नॉर्मल में भी तो आ सकते हो वापस, ये दोनों आपको पता रहना चाहिए। जैसे इधर देखिए, देखिए अगर हम ऐसे लिखते हैं लॉग 2 3 8, ये लॉग के हिसाब से हो गया। मान लीजिए जो नंबर, मान लीजिए जो नंबर लिख दिए, इसको अगर नॉर्मल में कन्वर्ट करिएगा तो नॉर्मल में करिएगा तो कैसे लिखिएगा 2 8 = 3। एग्जाम्पल दे रहे कैसे लिखेंगे, ऐसा होगा इस लिखना समझ गया कैसे लिखा जाएगा। तो नॉर्मल से लॉग, लॉग से नॉर्मल, नॉर्मल से लॉग, लॉग से नॉर्मल लिखना सीख गए ना। अगर देखिए अगर 2 इधर देखिए 8 आया ना, तो 2 to the power 3 = 8। इसको अगर लॉग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लॉग 2 8 = 3। तो देखो आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म और इस फॉर्म से इस फॉर्म दोनों में कन्वर्ट करना आना चाहिए। हाँ कि नहीं बताइए, तो समझ गए ना कैसे नंबर को बदलेंगे, बदल लोगे ना नंबर को। तो ये हो गया लॉग को कन्वर्जन। अब ये जितना लॉग का ना बहुत सारा नियम है, लॉग का बहुत सारा रूल है, वो रूल आपको पहले पता रहेगा तो हम लोग सम्स बना पाएंगे। अब कॉपी में हेडिंग दीजिएगा की रिलेशनशिप, की रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, की रिलेशनशिप। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो रिलेशनशिप्स अगर हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे बात नहीं बाबू, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर ऐसा रहे क्वेश्चन में लॉग ए टू दी पावर एम एन, अभी उतारना मत साथ साथ, ये गलती करते हैं आप लोग, ये बहुत सारी चीज चेंज करेंगे। लॉग ए टू दी पावर एम एन इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये तो बेस है ना, ये क्या है पावर है, यहाँ पर देखो लॉग पूरा पावर का खेला है, किसका खेला है पावर का, बेस में यहाँ पर उतना कुछ चाप नहीं है, तो बेस आप नहीं भी देंगे, मान लीजिए 2 मिनट के लिए बेस नहीं दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन में रहेगा लॉग एम एन, एम एन का मतलब क्या हो गया, एम इंटू एन, एम एन का मतलब क्या हो गया, एम इंटू एन, तो अगर क्वेश्चन में लॉग एम इंटू एन रहे तो इसका आंसर होगा लॉग एम प्लस लॉग एन। अगर इंटू रहेगा क्वेश्चन में तो आंसर आपका क्या हो जाएगा प्लस, और अगर क्वेश्चन में रहेगा प्लस तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इंटू। मतलब देखो आप ये मत सोचिए कि लॉग एम इंटू एन का आंसर होगा लॉग एम प्लस एन, अब ये सोचिए कि लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस एन। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉग एम इंटू एन, उसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन, और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ लॉग एम प्लस लॉग एम तो उसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग एम इंटू एन। ये रिलेशनशिप है लोगों का, क्या बाबू रिलेशन, आपको सम्स बनाने टाइम में बार बार काम आएगा, याद रखिएगा लॉग एम इंटू एन है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस एन, अगर इंटू है तो आप क्या कर दोगे प्लस, और प्लस है तो क्या कर दोगे इंटू, इंटू है तो प्लस, है तो इंटू को प्लस को, ये पहला रिलेशनशिप हो गया। कैसा रिलेशनशिप हो गया, पहला। सम्स बनाने से पहले आपको ये बात पता रहना चाहिए कि लॉग में अगर इंटू रहेगा तो उसको क्या कर देंगे प्लस, और अगर प्लस रहेगा तो क्या कर देंगे इंटू, इंटू को प्लस को, इंटू को प्लस को, यस नो गाइस। तो बेस मान लीजिए, बेस को इग्नोर करिए, बेस ए मान लीजिए, अगर इसको ऐसे लिखते हैं, समझिए प्लीज, उतारने में फोकस मत करिए, लॉग ए एम एन, तो ये तो बेस हो गया ना, तो बेस को आप इग्नोर करिए, बेस दे भी सकते नहीं भी दे सकते, क्वेश्चन में देगा भी नहीं देगा कोई भरोसा नहीं, लेकिन पावर का खेल आपको पता रहना चाहिए कि अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे मान लीजिए लॉग एम एन, इसको कैसे लिख सकते हो आप, लॉग एम प्लस लॉग एन, पहला रिलेशनशिप यही है, इंटू रहेगा तो क्या कर दीजिएगा प्लस। अब देखो क्वेश्चन में ये रहेगा तो इसमें बदल देना, ये रहेगा तो इसमें बदल देना, लॉग एम एन रहेगा तो लॉग एम प्लस एन कर देना, लॉग एम प्लस एन रहेगा तो उसको लॉग एम इंटू एन कर देना, यस नो गाइस। जल्दी बताइए रिलेशनशिप, लॉग में अगर इंटू रहेगा तो उसको क्या कर देंगे, इंटू को प्लस को, इंटू को प्लस को, इंटू को प्लस को, पहला बात हो गया, लिखिए इसको पॉइंट नंबर वन, पहला रिलेशनशिप। बेस रहेगा उसको बेस को लेके चलेंगे, वैल्यू आपका इसको करना है, मतलब अभी पावर का खेला समझा रहे हैं आपको, पावर में कैसे खेलेंगे, बेस तो रहेगा इक्वेशन में, जो रहेगा लिख देंगे, लेकिन जो खेला खेलना है किसके साथ खेलना है, पावर के साथ खेलना है। उधर ही उधर आइए, चलिए अब अगला मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहा, बाबू ध्यान दीजिए, लॉग एम बाय एन, देखिए लॉग एम बाय एन दिख रहा आपको, लॉग एम बाय एन थोड़ा बड़ा करके लिख रहे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहा लॉग एम बाय एन, डिवाइड होने से माइनस कर देते हैं, डिवाइड होने से क्या कर देते हैं माइनस, जिनके कॉलेज में वो होगा लोग सुने होंगे लॉग एम माइनस लॉग एन, सुनिए जल्दी रट लेंगे इसको, इंटू रहने से क्या कर दीजिएगा प्लस, डिवाइड रहने से, डिवाइड रहने से इंटू रहने से इंटू प्लस,
अगर पूरा नशा मेरे को बोल रहे समझ क्यों लेना क्या बोल रहे हो आप सुनोगे ना अगला वर्ड क्या है आप तो पूरा फ्लो में बोलते जा रहे हो अंडरस्टैंड सुनो लॉग एम एन एम एन मतलब क्या इंटू हो गया ना इंटू रहने से क्या कर देंगे प्लस सम सभी गए नहीं हम लोग तो रिलेशनशिप बना रहे क्या बना रहे रिलेशनशिप और अगर लॉग एम बाय एन रहेगा उसको कैसे लिखेगा लॉग बताइए क्योंकि बार बार सम्स बनाएंगे नहीं सब काम आएगा इसके बिना सम्स नहीं बना पाएंगे चले दो रिलेशन से समझ गया ना ज्यादा रिलेशन नहीं है इसमें तीन चार पांच तो रिलेशन बनाना है बहु बात नहीं देखिए कितना नंबर ऑफ रिलेशन से तीन बहु ध्यान दो ना बोर्ड में बाद में बात कर लेना मैं समझो ध्यान से देखो इसको कैसे लिखोगे अगर मान लिया क्वेश्चन में ऐसा रहा लॉग ए टू द पावर ए इसका आंसर होगा वन कभी भी सर क्या बोली सर थोड़ा सी ठीक से बोलिए क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा रहा लॉग टेन टू द पावर टेन आंसर क्या होगा वन ट्वेंटी के पावर ट्वेंटी कितना होगा वन थर्टी के पावर थर्टी आंसर क्या होगा सुनो सुनो देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा अगर ऐसे लिखा रहा लॉग फिफ्टी ऊपर में फिफ्टी आंसर क्या है उतना दिमाग मत लगाना चुपचाप से क्या बढ़ा देना हाँ कि नहीं यस और नो राइट या रॉन्ग तो अगर इसको और अगर लोकल भाषा में समझेंगे तो बेस पावर सेम हो तो आंसर क्या आ जाएगा वन बेस पावर सेम हो तो आंसर क्या आएगा बेस पावर सेम हो तो आंसर क्या आएगा बताइए बात नहीं हो गया देखिए पॉइंट नंबर फोर अगर देखिए ये ऐसे लिखा रहा लॉग बी ए ऐसे लिखा रहा लॉग ए उसके ऊपर बी ऐसे लिखा रहा मान लिया क्वेश्चन में ऐसा लगा लॉग रहा उसके ऊपर ए और उसके ऊपर क्या होगा वो बी अगर ऐसा रहा इसको बोलते हैं चेंज इन बेस फॉर्मूला चेंज इन बेस फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा इसको ऐसे लिखेंगे लॉग बी बाय लॉग ए इसको कैसे लिखिएगा लॉग बी बाय लॉग ए फिर से बोल रहा जैसे मान लिया लॉग लिखा रहा इसमें ए ऊपर में ए और उसके ऊपर क्या होगा वो बी इसको इसको बोलते हैं चेंज इन बेस फॉर्मूला चेंज इन बेस फॉर्मूला में कैसे लिखिएगा इसको ऐसे लिखिएगा देखिए लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग ए ये सब हम लोग सम्स में अभी काम आएगा इसका बगल में लिख देना चेंज इन बेस फॉर्मूला क्या लिख देना चेंज इन बेस फॉर्मूला लॉग ए का ऊपर बी इसको कैसे लिखेंगे लॉग बी बाय लॉग ए चेंज इन बेस सो क्या बोलिएगा चेंज इन बेस ये सब काम आएगा अभी सम्स में ये सम्स नहीं है सम्स का टुकड़ा है कितना पॉइंट हो गया बताओ हाँ ब्रैकेट में लिख लो चेंज इन बेस चेंज इन बेस हो गया क्या बहुत फास्ट उतार ले रहे हो आप लोग पॉइंट नंबर फाइव में देखिए पॉइंट नंबर फाइव बताते हैं अब क्या है आपसे पूछेगा एग्जाम में कि व्हाट इज द कॉमन बेस ऑफ लॉग थ्योरी में मान लीजिए दे दिया अगर कोई बेस नहीं तो लॉग का कॉमन बेस किसको माना जाता है दस किसको माना जाता है दस तो कॉमन बेस ऑफ लॉग इज टेन लिख दीजिए द कॉमन बेस ऑफ लॉग द कॉमन बेस ऑफ लॉग इज 10 पॉइंट नंबर सिक्स लिखिए द नेचुरल बेस ऑफ लॉग नेचुरल बेस ऑफ लॉग इज नेचुरल बेस माना गया है ई को ई ई ऐसे स्मॉल ई लिखिएगा ई नेचुरल बेस किसको माना गया है ई विच मीन्स लिख लिए नेचुरल बेस किसको माना गया है ई विच मीन्स एक्सपोनेंट्स ई एक्स पी ओ एन ई एन टी एस एक्सपोनेंट्स द वैल्यू ऑफ विच is approx
2.718 टू मतलब नंबर वाला 2.718 इतना जो लास्ट में जो दो बात लिखवाए ना ये सम्स में काम नहीं है, सम्स में बीच में काम आएगा, लेकिन एक्चुअली ये क्या हो गया, ये थियोरेटिकल पार्ट के लिए काम आएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों बात लिखाना क्यों जरूरी था, कभी कभी एग्जाम में पूछता है व्हाट इज अ कॉमन बेस 10, व्हाट इज अ नेचुरल बेस, बच्चे लोग बोलते हैं 10, नहीं कॉमन बेस और नेचुरल बेस में फर्क है। नेचुरल बेस का आंसर क्या होगा, ई, क्या होगा बताइए, ई, और ई का फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का वैल्यू कितना है, ये थियोरेटिकल डिस्कशन हो गया, ये सम्स में आपका ई वाला काम नहीं आएगा, बहुत कम काम आएगा, रेयरली कभी कोई सम्स में हम लोग का आप लोग के लेवल में काम आएगा, बट वैसे नॉलेज के लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि थ्योरी में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन बेस, तो कॉमन बेस क्या होगा 10, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल बेस, फर्क समझिए, कॉमन और नेचुरल में फर्क है, कॉमन बेस क्या है, नेचुरल बेस, नेचुरल बेस क्या, क्या ई मतलब क्या, एक्सपोनेंट, वैल्यू कितना है, एक्सपोनेंशियल्स का वैल्यू कितना हो गया 2.718, हाँ कि नहीं, ये रिलेशनशिप आप हम लोग सम्स बनाना स्टार्ट करें। अब यहाँ से अपना मेन सम हो जाए, अब कॉपी में एडिंग देना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ये इंट्रोडक्शन था, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 उतारते आएंगे, दो दो लाइन तीन लाइन का क्वेश्चन होता है उसमें क्या, इसीलिए बुक इसका नहीं दिए। चले पहले हमको मेरा रिलेशनशिप बताइए, रिलेशनशिप क्या होता है बताइए, मतलब क्वेश्चन का रिलेशनशिप बताइए, आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन का रिलेशनशिप पहले बात करें, बताइए लॉग, अच्छा बताइए लॉग में चेंज किसको करते हैं, पावर को कि बेस को, जो खेल रहे तब से किसके साथ खेल, लॉग इज द खेला ऑफ पावर, डेफिनेशन आप लोग भाषा में डेफिनेशन में कॉलेज में टीचर पूछा व्हाट डू यू मीन बाय लॉग, लॉगर माने की भाई, बुक दीजिएगा, लॉगर माने पावर एंड खेला, पावर एंड खेला, पावर का जो खेला है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लॉग, पावर के साथ खेलेंगे हम लोग, किस साथ खेलेंगे पावर, उसके बाद बताइए लॉग में अगर इंटू रहेगा तो क्या कर देंगे, सॉरी प्लस रहेगा तो इंटू प्लस डिवाइड रहेगा तो, इतना ही याद रखना था आपको बस, अगर बेस पावर दोनों सेम हुआ तो क्या, सुन के नहीं ना बोल रहे, अपना मन से आवाज आ रहा ना, वन इतना वन, और उसके बाद बताइए व्हाट इज द कॉमन बेस, नेचुरल बेस, नेचुरल कॉमन, कॉमन नेचुरल, नेचुरल कॉमन, कॉमन नेचुरल, ई नहीं हो रहा, सब फ्लो नहीं आ पा रहा आप लोग का, अभी और पढ़ना होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया आज के, अब स्टार्ट करते हैं सम्स को, चलिए सम्स पहले लिखते हैं, एक एक लाइन का, एक एक लाइन का, दो दो लाइन का सम्स, यहाँ से सम्स हम लोग कर रहे हैं डायरेक्टली, यहाँ से सुनिएगा, है हार्ड तो नहीं है बट थोड़ा दिमाग को लगाना ही पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि मैथ्स है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 लिखिए ना, प्रॉब्लम नंबर 1 लिखिए, इफ प्रॉब्लम नंबर 1 लिखिए, इफ जिंदगी में ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम, ऊपर से मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, इफ लॉग 3 का पावर 81 इक्वल टू एक्स, फाइंड एक्स, वो खोजना भी किसको है, एक्स को, यहां से सम शुरू कर रहे, ठीक है, बहुत इफ लॉग 3 टू द पावर 81 इक्वल टू एक्स, फाइंड एक्स, प्लीज ध्यान देना बोर्ड में, चले कोई अभी खुद से मत करिए, देखिए इसका सॉल्यूशन, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हम पहले क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन है आपका, आप इसका सॉल्यूशन करें, जैसे हम लिख रहे वैसे आप भी कॉपी करेंगे, कोई बुक का जरूरत नहीं आपको, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, लॉग 3 टू द पावर 81 इक्वल टू एक्स, ये तो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम लिख लेंगे, अब इसको ना पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे 3 की जगह 3 रहेगा, चेंज आर 81 की जगह क्या जाएगा एक्स, और 81 कहां चल जाएगा उस साइड, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं बोल दीजिएगा, हाँ कि नहीं, अब इसको सॉल्व करना है, अब देखो 3 का पावर एक्स, इधर क्या होगा 81, अब हम लोग को क्या करना है, तो नीचे बेस में तो 3 दिख रहा ना, अब ये 81 को इस तरह से ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है, जिससे उसका पावर में कुछ तो आ जाए, देखो बेस में 3, आप सोचिए कि कोई ऐसा नंबर सोचिए, आप कोई ऐसा नंबर सोचिए जिसका पावर करने से 81 आ जाए, तो 3 ही है यहाँ पे, 3 पहले 3 से हिट करके देखिए, 3 से ही तो आ जाएगा, 3 से 81 को देखते हैं कितना बार में आता है, 3 से 81 करेंगे 27, राइट, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3, 3, 3, 3, 3 का पावर x, यहाँ पे 3 का पावर क्या होएगा वो 4, सेम है ना, x का इक्वल टू क्या हो गया 4, बन गया सम्स, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, उतारिए उतारिए, अब थोड़ा सा दिमाग तो लगाना होगा, एकदम पूरा ऐसे लॉग बैठा ले जाओ, उतारिए
81 को इस तरह से ब्रेक किया जिसका बेस में 3 आ गया, बताइए। जैसे हमने ब्रेक किया ना वैसे उसे भी लिख लेना आप, इससे बाद में रिवीजन में सुविधा होगा। कॉपी कर लिया आप लोग? वो बात नहीं करिए प्लीज, कॉपी कर लिए क्या? Yes, अगला आप लोग करके दिखाना, जिनका हो जाएगा बोला मत करिए कि हाँ मेरा हो गया मेरा हो गया, नहीं ये गलत आदत है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ लॉग 5 टू द पावर 125x फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। खुद से करिए, हो जाएगा तो बोलिएगा मत, सबको कर दीजिए तो बात करेंगे। देखते देखते करिए, चलिए करके दिखाते हैं, आप मिला लेना, क्योंकि देखो ऐसे एक इंडिविजुअली सब बोलोगे, कर भी देंगे मिला भी लीजिएगा, डाउट्स भी क्लियर रहेगा। और इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, क्या इसको लिखना है? पहले कैसे लिख, इसको पहले सम्स, नॉर्मली सम्स को कॉपी करते हैं, लॉग 5 टू द पावर 125 इक्वल टू x, इसको पहले नॉर्मली कन्वर्ट करते हैं 5x 125। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही बात, देखते हैं कि 5 को कितना बार ब्रेक करने से, 5 को कितना बार ब्रेक करने से 125 आ जा रहा है। देखते हैं, 5 125 है ना, तो पर कितना आएगा बताइए, 25, फिर ये कितना, 5 5 5 5, 3 2 5 ना जी, 5 यहाँ पे कितना, 3 सेम है, x का वैल्यू कितना हो गया, 3। किसका ऐसा सही था बाबू, हर एक बार प्लीज, वेरी गुड। अब यहाँ पे आप सम्स में चलेगा धीरे धीरे, अब लोग एक ही टाइप का सम्स करा रहे हैं आपको बार बार। अगला क्वेश्चन करिए, प्रॉब्लम थ्री सॉल्व करिए। प्रॉब्लम 3 देखिए, हम खाली इफ लॉग 5 उसका पावर में 625 इक्वल टू x, फाइंड का x, हाँ 5 सेम सम्स है, खाली पावर में क्या कर दिया बाबू, 625। प्लीज ट्राई करिए, ठंडा दिमाग से करिए, हड़बड़ाइए मत। अपना मन से करिए, किसी को बोलिए मत, बगल वाला सुन ना ले। चले कुछ बच्चे कर रहे, करने दीजिए उनको। देखिए आप इसको अगर सजा के लिखेंगे आप, तो log 5 625, इतना एग्जाम में लिखने का तो मौका नहीं मिलेगा। अब इसको इतना कर लेना है कि आप डायरेक्ट समझ जाए कि हाँ ऐसे आंसर निकलने का, 5 625 इक्वल टू x। अब इसको लिखेंगे कैसे, 5 का पावर x इक्वल टू क्या, 625, हाँ कि नहीं, 625 को इस कदर तोड़ेंगे, इस कदर ब्रेक करना है, देखते कितना आ रहा, 5 125 5 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
डूइंग फर्दर सम्स, इस तरह का सम्स करने का दरकार नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते समझिए कैसे करिएगा इस तरह का सम्स। तीन प्रॉब्लम एक जैसे ही कर लिए हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन कैसे आएगा ये सवाल तो बताए नहीं। आठ मार्क्स का ये चैप्टर है, ये चैप्टर 8 मार्क्स का है,
8 मार्क्स का चैप्टर में ना क्वेश्चन कैसा आएगा, 2 मार्क्स का 2 सम्स आएगा और 4 मार्क्स का एक सम्स आएगा, 2+2+4, ये मार्किंग का पैटर्न है इसका, इस चैप्टर का। 2+2 कितना हो गया 4+4 कितना हो गया 8, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा इस चैप्टर से। यस नो गाइस, हर चैप्टर ही 8 मार्क्स का, समझ 8 मार्क्स का 10 तो चैप्टर पढ़ना आपको, समझ रहे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 मार्क्स का देखो प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप क्लास में कर रहे हो ना, आपको लगता होगा ये तो बहुत इजी है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि ऐसा क्वेश्चन है तो गड़बड़ उड़ा देंगे, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपको उतना याद नहीं रहेगा, आप समझिए मेरा बात। अब जिस दिन कोचिंग में टेस्ट लेंगे ना, जब 2-3 चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप वहीं पे समझोगे, आप देखोगे सब किया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम टाइम में ना याद ही नहीं आ रहा कि कैसे सॉल्यूशन करें, क्यों, मैथ्स में वैरायटीज बहुत ज्यादा है ना क्वेश्चन का, जब बात समझ रहे ना इतना। अभी क्या है, एक तो हम बनाए एक तो आप बनाए, तो आपको लग रहा है इजी तो है, मेन क्या है यही चीज, आप अचानक से क्या होगा उस दिन आपको 3 घंटा में एग्जाम देना है और उसमें आपको सारा पेपर का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तो वहां पर एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, अदरवाइज मैथ्स हो चाहे स्टैट्स तो है बहुत इजी, पढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगा, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग कर दे, थोड़ा बढ़ाते हैं आगे, हो गया ना, कितना क्वेश्चन हो गया बताइए, 3-4 नंबर, ऑनलाइन वाले लोग मिलाते रहिए अपना आंसर। इफ लॉग और कोई बोले ना बोले, अंकित को बोले जाइए, फाइंड एक्स करके दिखाइए, 2 का पावर x = 3, फाइंड एक्स, नॉर्मल जैसे बनाए वैसे बनाए, कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं है इसमें, सबको देखिए करिए ना, देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 2, अब थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे उतना नहीं लिख रहे, 2 का पावर 3 = क्या, x, x ही तो निकालना है, 2 का पावर 3 कितना होगा 8, आंसर आ गया x = 8, उतारी गलत हो गया ना, सर आप तो उसमें ब्रेक ब्रेक कर रहे थे, इसमें क्यों नहीं आ रही, एक्स ही तो निकालना था हमको, एक्स तो साक्षात साफ साफ एक्स दिख रहा, जब बड़ा बड़ा एक्स दिख रहा आपको तो डायरेक्ट 8 मार दीजिए, हो गया ना। चलिए आई थिंक सही हो रहा आप लोग, जैसे जैसे सही होते जाएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। देखिए अब थोड़ा और आगे मिटा दे इसको, क्वेश्चन नंबर 5, लॉग वो बात नहीं, 10 का पावर 2 + log 10 का पावर 5, log 10 का पावर 2 + log 10 का पावर 5 = what, क्या हलवा पूरी बनाते रखिए, कोई मत करना, कुछ खुद से मत करना प्लीज, हमको सिखाने दो, साइड हो जाए, साइड कर दे, साइड में लिखेंगे ना, अच्छा ठीक है, बस खाली मैथ्स वाला थोड़ा भीड़ ज्यादा आ रहा ना, इसीलिए मैनेज करिए, log 10 का पावर 2 हम बोल भी दे रहे, log 10 का पावर 2 + log 10 का पावर 5 = what, मतलब क्वेश्चन मार्क, यस नो गाइस, देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए अभी आपको क्या पढ़ाया, log 10 का पावर 2 कोई मत करो खुद से, क्यों भाग रहे हो अकेले अकेले, देखो अभी क्या है, log 10 को कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन ले सकते हैं, और आपको क्या पढ़ाया, प्लस होने से पावर वाला क्या हो जाएगा, इनटू, हाँ कि नहीं, यस और नो, 10 का पावर क्या 10, अब पावर अब बेस सेम होगा तो आंसर क्या होगा, 1, कॉपी करिए, करिए करिए, ये भी कर लिए थे आप लोग, छूट बोल लो, समझे कैसे किए, समझे कैसे हो रहा है क्वेश्चन, तो क्या क्या बोले, तो log 10 का पावर 2 + log 10 का पावर 5 = what, समझे कैसे हो गया, फिर से बोले इंटू प्लस था ना बाबू, तो उसको क्या कर दिया हम लोग, इंटू प्लस रहने से इंटू कर दिया, इंटू रहने से क्या कर दिया प्लस, अच्छा उसके बाद देखिए मिटा दे, अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर सिक्स लिखिए, बात है लॉग ए टू दी पावर वन लॉग ए टू दी पावर टू प्लस लॉग ए टू दी पावर थ्री सॉल्व। लॉग ए का पावर वन, लॉग ए का पावर टू, लॉग ए का पावर थ्री। हम पहले बोले थे बेस का कोई इज्जत नहीं है, बेस का कोई इज्जत है बताइए, सब में ए ए आ रहा, क्या रहा ए हो गया। देखिए हो गया खत्म, तो सॉल्यूशन देखिए आप, देखिए लॉग ए ए है ना बाबू ए, इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए आप, प्लस है ना, प्लस कैसे लिखते हैं, वन इंटू टू इंटू थ्री लिख सकते कि नहीं सकते, प्लस है तो क्या कर दीजिएगा इंटू, तो आंसर क्या हो गया सिक्स, ए का पार्ट सिक्स वन तो आपसे आपको ऑप्शन क्या रहेगा फाइव सिक्स सेवन एट, आंसर क्या होगा सिक्स, आंसर क्या होगा कॉपी करी पहले ये भी कर लीजिए आप लोग, आंसर लिख दिए ए एन एस, उतना लिखने का मौका एग्जाम में नहीं मिलेगा, सॉल्व करोगे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, देख के लिख दोगे सिक्स डायरेक्ट इंटू, देखो प्लस है तो क्या कर दीजिए इंटू, प्लस है तो क्या कर दीजिए इंटू, थ्री इंटू टू कितना हो गया सिक्स, सिक्स आंसर कितना हो गया सिक्स, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा छे, यस और नो, समझे कि नहीं बोलिए। अच्छा अगला क्वेश्चन करिए, ये मिटा दे क्या, देख क्वेश्चन नंबर सात, इफ हम बोल रहे हैं आप लिखते जाओ अभी साथ साथ, इफ लॉग थोड़ा ऊपर मतलब पावर पावर होगा, बेस नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, लाइक पावर दिया हुआ है, इक्वल टू टू फाइंड द बेस, फाइंड द बेस, बोला बेस निकालिए, लॉग का पावर नाइन है इक्वल टू क्या बाबू टू है, फाइंड करना है बेस, लॉग का पावर नाइन है इक्वल टू टू है, फाइंड करना बेस, बेस आपको पता नहीं, बेस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हम निकालेंगे बेस, रुकिए ऐसा क्वेश्चन मैंने से कैसे करेगा, देखिए क्वेश्चन कॉपी कर लिए ना बाबू, देखिए बेस नहीं ना पता है आपको तो आप कैसे लिखेंगे, लेट द बेस बी, बेस को हम लोग क्या मान ले रहे एक्स, तो अब अगर इसको हम लोग इस तरह से सजाएंगे क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा ना, लॉग एक्स टू द पावर एन इक्वल टू टू सॉरी नाइन इक्वल टू क्या बाबू टू, हाँ कि नहीं सारे बच्चे, देखो हाँ कि नहीं, अब देखो ना कैसे करेंगे आप समझ रहे होंगे हम क्या करने वाले, इसको अगर नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे एक्स का पावर टू इक्वल टू क्या बाबू नाइन, x का पावर 2 इक्वल टू 9, 9 को ब्रेक करेंगे यस और नो, हाँ कि नहीं, तो आंसर कितना जगह बताइए, कॉपी करिए समझे कि, फिर से बोले बोलो फिर से बोले ओके okay. इस क्वेश्चन में बेस नहीं दिया हुआ था, आपने बेस को क्या मान लिया x, जहां पर बेस का जगह होता है वहां पे क्या बैठा दिए x, देखिए log x का पावर कितना बाबू 9 इक्वल टू क्या बाबू 2, उसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर दिए जैसे तब से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, x का पावर 2 इक्वल टू क्या बाबू 9, 9 को इस तरह से ब्रेक किया जिससे उसका पावर में 2 आ जाए, मतलब ऐसा नंबर से ब्रेक किया, तो क्या हुआ 3 से ब्रेक हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, तो x इक्वल टू कितना गया बाबू 3, यस और नो, थोड़ा दिमाग को लगाना होगा लेकिन इजी था, घर में आके क्या करिए तो वही सब समझ को रिवीजन मारिएगा, कैसे बाबू हाँ बेस नहीं दिया हुआ था ना, तो बेस की जगह पे क्या लिख दिया बाबू x, बेस नहीं दिया तो बेस से क्या लिख दिए x, तो दिक्कत है बोलिए, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, कितना क्वेश्चन हो गया 8 नंबर क्वेश्चन लिखिए, इफ हम बोलते भी जा रहे हैं लिखते भी जा रहे हैं, इफ क्या बाबू इफ log x 729 इक्वल टू 6 फाइंड x, आज खाली x ही निकाल रहा है पूरा क्लास x निकालने के ऊपर सिखा हुआ, इफ log x टू द पावर 729 इक्वल टू 6 फाइंड x, करिए ट्राई करिए एक बार प्लीज,
ट्राई करिए फिर बता दें। सबको करने दीजिए, सबको करने दीजिए। करें क्या, कर लिए होंगे आप लोग शायद, फिर भी हम कर दे रहे। x का पावर 6 729। हाँ, अब आप खोजिए ना, ऐसा x खोजिए, ऐसा नंबर खोजिए जिसका 6 बार पावर करने से 729 आ जाता हो। करके देखते हैं, 3 से करके देखते हैं कितना होगा, बताइए। 240 x का पावर 6, 3 का पावर 6, x इक्वल टू 3। गलत हो गया ना? नहीं, सही है। कितना क्वेश्चन हो गया? एक क्वेश्चन और करिए। समझ गए कैसे करना है? घर में आके ना रिवीजन मारिएगा, ठीक है? देखिए, इतना ये सारा रूल्स जो आपको लिखाया गया है, जो कॉन्सेप्ट है, ये सब के बेसिस पे ही अब सम सम लोग को आगे फर्दर बनाना है। अब इसी में हम लोग दिमाग लगाते रहेंगे, इतना ही के बीच में, इसके बाहर आपको जाना नहीं है। तो अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बोल रहे, इफ लॉग 10^(1/10) इक्वल टू एक्स, फाइंड एक्स। ये करिए, क्या हुआ, चुप क्यों? करे हो गया। देखिए आप इस ऐसा नंबर है, इनसे तो पहले कन्वर्ट कर ले, 10 इधर क्या आबू एक्स इक्वल टू 1/10, ठीक है ना? जब भी ऐसा रहे ना, ये सम्स आपको हम इसीलिए ही सिखा रहे कि इसको कैसे लिखेंगे, यही लिखने के लिए, क्योंकि आपको यहां तक तो आप कर लिए होंगे, यहां तक सब कर लिए थे ना? नहीं, यहां तक नहीं किए। 10^(x) इसको ऐसे नॉर्मली ऐसे ही लिखेंगे ना, यहां तक कोई दिक्कत है? इसके बाद दिक्कत है सर, इसको क्या करेंगे आगे, सॉल्व कैसे करेंगे? जब भी ऐसा रहे ना, जब भी तो इसको ऐसे लिखा जाता है। देखिए 10 - 1, एक्स का आंसर क्या हो गया? -1। ये क्या है बोलिए तो? ये रेसिप्रोकल है। क्या बाबू? रेसिप्रोकल। जब कभी भी देखो क्वेश्चन में अगर ऐसा रहेगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 10^(1)
तो ये आपको सिर्फ लिखने के लिए हमने सिखाया कि अगर कभी भी ऐसा रहे तो इसको इस तरह से कन्वर्ट करिएगा। देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ये हो गया रेसिप्रोकल। क्या हो गया बाबू? रेसिप्रोकल। क्या हो गया बताइए? रेसिप्रोकल। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे इस तरह से सॉल्व। देखिए x का वैल्यू कितना आ गया? -1। आंसर हो गया x-1। ये सम्स आपको इसीलिए कराएगा खाली हम आपको ये सिखा सके कि इसको कैसे लिखना है। समझ गए कैसे लिखिएगा इस तरह का क्वेश्चन को? इस तरह का क्वेश्चन है तो कैसे लिखिएगा, समझ गए ना? देखिए एक तो करके दिखाई तो समझ आएगा हमको। मिटा दे क्या? फिर से बोले ओके। देखिए 10 का पावर x, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, खाली इसको लिखने लगे। इसको जब भी ऐसा रहेगा ना डेटा, कैसे लिखिएगा? -1। कैसे लिखिएगा? -1। इसका मतलब हो गया रेसिप्रोकल। क्या हो गया वो? रेसिप्रोकल। एक तो आपको दे दिया, आप करके दिखाइए तो आप समझ जाएंगे। मिटा इसको, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। बोले इफ लॉग फाइंड एक्स, इफ लॉग 20 to the power 1/20 इक्वल टू एक्स, फाइंड एक्स। सेम आंसर आएगा। द रेसिप्रोकल को लिखना कैसे है वो आपको सिखा रहे हैं, बस बात खत्म। और कुछ मेरा मोटिव नहीं था इस सम्स में, ये बाकी तो आप बना ही लेते। इस सम्स में सिखाना क्या था कि रेसिप्रोकल रहने से लिखिएगा कैसे, समझिए कैसे लिखिएगा। क्योंकि देखो आप लोग बना, देखो जैसे एग्जांपल दे रहे हैं बाबू, देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक बार देखिए, दो मिनट बाद बंद कर लीजिएगा भाई। 20x = 1/20, यहां तक तो आप ठीक कर ले रहे कन्वर्ट। अब आप समझिए इसके आगे क्या करेंगे, कुछ मत करिएगा। ये रेसिप्रोकल है, इसको ऐसे कर दीजिए 20 - 1 x = -1। कॉपी करिए, हो गया क्या? समझिए कैसे लिखिएगा, ये बस आपको लिखने के लिए सिखाई थी। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में इसके आगे।